ये कहानी है दो लड़कियों की जिनका नाम बेकी और हंटर था। ये दोनों लड़कियां शहर के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ती है और फंस जाती है। ये टावर रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच होता है और यहाँ पर कोई नहीं आता, और तो और इनके फोन में भी नेटवर्क नहीं होता कि ये कॉल करके किसी से हेल्प मांग सके, और ना ही ये यहाँ पर सो सकती है क्योंकि जब ये दोनों यहाँ पर सोती है तो गिद्ध आकर इनका मांस खाने लगते हैं। तो आखिर ये लड़कियां यहाँ पर कैसे फंसी और इन्होंने इतने ऊंचे टावर पर चढ़ने का फैसला कैसे किया, और क्या ये बच पाई या इनकी मौत होगी, ये जानने के लिए कहानी के आखिर तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी कैप दिखती है और वो ग्रिप बनाने के लिए उसमें अपना हाथ डालता है कि तभी वहाँ से एक पंछी निकलता है जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर के बंधे होने की वजह से वो बच जाता है। और फिर बेकी और हंटर भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेफ्टी वायर टूट जाती है और डैन नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन सीधा एक साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ बेकी आज भी उस इंसिडेंट को नहीं भूली और बहुत दुखी रहती थी और काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिससे वो डिप्रेशन में थी। उसके पिता जेम्स को भी उसकी काफी फिक्र होने लगी थी और वो बेकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन बेकी उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। और एक दिन बेकी काफी सारी मेडिसिन एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे हंटर का कॉल आ जाता है जिसके कारण वो सुसाइड नहीं करती। और अगले ही दिन हंटर उसके घर आ जाती है और वो उसको कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया है जिसमें तुम भी मेरे साथ क्लाइंब करने के लिए चलोगी, क्योंकि हंटर जानती थी कि बेकी को एडवेंचर पैलेसेस पर जाना काफी पसंद था और उसने काफी समय से कोई एडवेंचर भी नहीं किया था। और बेकी जो इस समय अपनी लाइफ से काफी परेशान थी वो उसे मना कर देती है, लेकिन अगले ही दिन जब वो अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो सोचने लगती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो हंटर के साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। और इसके बाद बेकी और हंटर दोनों ही उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फोन में कुछ पुराने फोटोज देखने लगती है और जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज देखती है तो हंटर के एक फोटो में वो नोट करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। और तभी बेकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ नहीं बताती। और तभी बेकी के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को अटेंड नहीं करती। और काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूब व्लॉगर है, यूट्यूब की रेवेन्यू से ही अपना वो ट्रैवलिंग का खर्चा उठाती है। इसी दौरान बेकी की नजर विंडो से बाहर दिख रहे टीवी टावर पर पड़ती है जहां पर वो दोनों जा रही थी। हंटर बेकी को बताती है कि ये टीवी टावर यूनाइटेड स्टेट का 4th सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना आगे का सफर जारी रखते हैं और यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते ही अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाने लगती है जिसमें वो अपने व्यूवर्स को बताती है कि वो अपने सबसे अच्छी दोस्त बेकी के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। और इसके बाद फाइनली वो उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती है जहां उन्हें गेट पर एक डेंजर साइन के साथ एक ताला लगा हुआ मिलता है। यहां से वो दोनों अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे पैदल ही जाने लगती है। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं और वो उस जानवर की फोटो क्लिक करके अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर देती है जिस पर उसे काफी लाइक्स मिलते हैं। और कुछ ही देर बाद वो टावर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है और वहीं बेकी भी उस टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि डैन के साथ हुए उस इंसिडेंट के बाद उसने कभी भी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी वायर को उसकी कमर पर बांधकर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ये टावर काफी पुराना हो गया था और जिस पर काफी बुरी तरह से जंग लगा हुआ था। अब इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और उसके नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। अब यहाँ पर यह ऊपर चढ़ ही रही थी कि बेकी के हाथ से एक सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है जिससे बेकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से उस टावर पर चढ़ने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाती है यानी कि 1000 फीट ऊपर तक। और उन्हें यहाँ से शहर काफी छोटा दिख रहा था। यहाँ पर ये कुछ देर आराम करती है और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर बाद वो 1800 फीट ऊपर तक पहुंच चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट और ऊपर तक चढ़ना था। लेकिन बेकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगी थी क्योंकि वहां पर हवा काफी तेज चल रही थी और सीढ़ियां भी काफी पुरानी थी इसलिए वो हिल रही थी। और अब वो हंटर से कहती है कि अब हमें यहां से वापस चलना चाहिए, लेकिन हंटर उसे कहती है कि अब इतनी ऊपर आकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। और इसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगती है। यहां पर टावर पर ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। यहां पर आई कुछ परेशानी को हंटर काफी आसानी से पार कर लेती है और यहां पर वो बेकी की भी मदद करने लगती है। और अब वो जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी काफी बढ़ रहा था और जिससे बेकी और ज्यादा डरने लगी थी। और इसी बीच टावर के काफी पुराने जंग लगे नट अपने आप ही निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ही ऊपर चढ़ना जारी रखती है और फाइनली वो दोनों ही उस टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर एक और नट बोल्ट निकल कर नीचे गिर चुका था। यहाँ पर हंटर फिर से अपना व्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करती है। अब बेकी अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी के हाथ में कैमरा पकड़ा कर खुद वो एक हाथ से उस टावर
टावर से लटक जाती है और शॉर्ट्स लेने के बाद वापिस ऊपर आती है और बेकी को भी सेम यही स्टंट करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे ये सब करने से मना कर देती है, जिस पर हंटर उसे कहती है कि ये उसका डर भगाने का सबसे अच्छा मौका है। जिसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेती है। इसके बाद बेकी वापिस से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी डैन की अस्थियां भी अपने साथ लेकर आई होती है और वो डैन को याद करती हुई उसकी अस्थियों को यहीं पर विसर्जित कर देती है और इस मोमेंट पर वो दोनों ही इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए और इसलिए वो अपने सेफ्टी वायर को खोल देती है और बेकी नीचे जाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही बेकी अपना पहला कदम उस सीढ़ी पर रखती है तो वो सीढ़ी टूट जाती है और बेकी नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर उसे किसी तरह से बचाकर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बेकी मौत के मुंह से निकलकर वापस आई थी, जिससे वो जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है और नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब नीचे उतरने के लिए उनके लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है। और तभी वो दोनों अपना फोन चेक करती है जिसमें नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर डिश पर गिर चुका था जिसमें उनका खाने पीने का सामान था। यहाँ उन्हें टावर पर ऊपर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है जिसे खोलने पर उन्हें उसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन दिखती है, और लेकिन ये दोनों ही चीजें उनके किसी भी काम की नहीं है। ये सब देखकर बेकी हंटर पर भड़क जाती है, लेकिन हंटर उसे ये कहकर शांत कर देती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज से हमारी कोई मदद करने के लिए आए और इसलिए अब उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ियों के गिरने की वजह से बेकी के पैर में चोट लग गई थी और अब उस चोट से ब्लड बाहर आ रहा है। यहाँ पर बेकी उसकी चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। इस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है जिससे बेकी के मन में हंटर के प्रति शक पैदा हो जाता है। और कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है जहाँ कुछ देर पहले उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि फोन में एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे कि शायद फोन के नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। उसके बाद ये सोचती है कि जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसलिए वो अपने फोन को एक जूते में डालकर और चारों ओर उसके जुराब लगाकर उसे नीचे फेंक देती है, लेकिन फोन टूट जाता है। लेकिन तभी बेकी देखती है कि हंटर के दूसरे पैर पर 143 का टैटू बना हुआ था। तभी बेकी को याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था, लेकिन बेकी इस चीज को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए एक और आइडिया सोचने लगती है। और थोड़ी देर बाद उन्हें दूरबीन से टावर के नीचे गुजर रहा एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, जिससे वो उस आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। और नीचे हम देखते हैं कि जो हंटर ने अपना फोन एक जूते में डालकर नीचे फेंका था वो बिल्कुल भी टूट चुका है और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। और तभी वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर हंटर और बेकी चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते नीचे फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर उन तक आ जाए, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है कि तभी बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन ये कहते हुए हंटर उसे मना कर देती है कि अभी दिन है, किसी को भी फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। और इसी दौरान थोड़ी दूर वो दो आदमियों को और नोटिस करती है जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे, जिसे देखकर वो डिसाइड करती है कि थोड़ा अंधेरा होने के बाद वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेगी ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सके। और कुछ देर बाद रात हो जाती है और तभी बेकी उस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है जिससे वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। वहीं बेकी और हंटर अपना हाथ हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है और तभी हंटर दूर से दूरबीन से देखते हुए ये नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी बेकी की कार की तरफ जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाती है, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो आदमी उनकी कार को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और अब उन्हें जल्दी से कोई नया आइडिया भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करें। और यहाँ पर बेकी हंटर के उस पैर के टैटू के बारे में भी पूछ ही लेती है। वही हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था और इसके लिए वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफी बड़ी गलती की। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था इसलिए उसने जल्दी ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। और ये सुनकर बेकी और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसका हस्बैंड डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर ने भी उसे धोखा दिया। और अगली सुबह बेकी अपना फोन चेक करती है और तभी उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डेस्क पर जाकर अपना बैग लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी वायर को ऊपर टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन डेस्क से थोड़ी दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है जिससे हंटर उस तक नहीं पहुंच पाती और अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने से बंधी हुई बड़ी रस्सी को खोलकर जंप लेते हुए नीचे डिस्क पर कूद जाती है। वो बैग से एक पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है और इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से उस बैग को उस रस्सी से लटका देती है और खुद भी उस रस्सी को कूदकर पकड़ लेती है कि तभी बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी अब ऊपर चढ़ना शुरू करती है कि तभी वो ऊपर पहुँचने वाली होती है कि उसके हाथ से वो रस्सी फिसल जाती है। ये देखकर बेकी की धड़कन और भी तेज हो जाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खोने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड
को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन बेकी जैसे ही डरी हुई नीचे देखती है तो उसे हंटर नीचे रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफी चोट लग गई थी, इसलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे वापस अपनी ओर ले आती है और यहाँ वो फिर से अब इस टावर पर दोनों हेल्पलेस थी। रात को बेकी को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं, और इससे वो डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। और नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऊपर टावर पर लगी लाइट की मदद से वो ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है कि तभी वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बेकी को ऊपर लटके हुए उस चार्जर को पकड़े रखना पड़ता है जब तक कि उस ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी देर से उस टावर को पकड़े रहने की वजह से धीरे धीरे अब बेकी के हाथ सुन पड़ने लगे थे, और इससे भी बुरी बात यह थी कि अब काफी सारे गिद्ध आकर उस पर हमला भी कर रहे थे, जिससे बेकी के हाथों से वो बैग नीचे गिर जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे अब बेकी नीचे आ जाती है और इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला होता है कि उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो ड्रोन बिल्कुल टूट जाता है और उनको ड्रोन कैमरा से भी अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों अब और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो थकी हारी हार मानकर उस टावर पर बैठ जाती है। और तभी शाम के समय वहां पर तूफान आने की संभावना हो जाती है, जिससे उनका जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहां बेकी को बहुत ज्यादा नींद भी आ रही थी, इसलिए वो वहीं सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने के लिए मना करती है क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। अब बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि वो अपना फोन उस जूते में डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। और तभी यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि तभी हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी तो वहीं गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद से बेकी अकेले ही सर्वाइव कर रही थी क्योंकि बेकी को अब हेल्यूसिनेशन होने लगे थे जिसमें वो हंटर को इमेजिन कर रही थी। रात में बेकी तूफान में सर्वाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है और जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है, और वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसको लेकर काफी परेशान थे। अगले दिन बेकी जब उस टावर पर सोई हुई थी तभी गिद्ध आकर बेकी की चोट पर से मांस खाने लगता है, लेकिन अब क्योंकि बेकी को काफी भूख लग रही थी इसलिए वो उस गिद्ध को पकड़कर उस टावर के मैटर से मारकर उसे खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार वो उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर हंटर की डेड बॉडी को नीचे गिरा देती है। इसके बाद बेकी के फादर जेम्स को बेकी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचता है, और जैसे ही वो उस टावर तक पहुँचकर देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये उसकी बेटी बेकी की डेड बॉडी है, शायद वो जिंदा नहीं बच पाई, कि तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।